इंदौर में बेटी ने फोन कर कहा पापा जल्दी आ जाओ, सास देवर मार रहे हैं। सुबह फोन पर सुनाया दर्द, रात को आई मौत की खबर, पिता ने ससुराल वालों पर लगाए मौत के आरोप। सागर विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी ने भव्य रूप से जनसंपर्क का किया शुभारंभ। सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ मतदान कर सके। सागर में विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि बिमल सागर जी, मुनि अनंत सागर जी, मुनि धर्म सागर जी, मुनि भाव सागर जी महाराज और आईका श्री दृढ़मती माता जी के सानिध्य में चल रहे वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत यागमंडल विधान हुआ संपन्न। सागर जिले के खुरई में पंचायत चुनाव में संवेदनशील बाती संवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर खुरई में एसडीएम ने ली थाना प्रभारियों की बैठक। सागर जिले के खुरई के बड़े तालाब में मगरमच्छ होने की चर्चाओं के कारण दहशत में है लोग। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध के कारण सागर जिले के बीना रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सागर जिले के खुरई नगर पालिका के चुनाव में मतदाता सूची के प्रकाशन नए वार्डों के परिसीमन के बाद दावे आपत्ति को लेकर एसडीएम ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। सागर जिले के खुरई कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बनाई गई कैंटीन करीब 8 माह से ज्यादा समय से है बंद, किसान हो रहे परेशान। सागर जिले के बीना नगर पालिका के चुनाव में भाजपा ने जब से बोर्ड की प्रत्याशियों की सूची की है जारी, तब से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। शहर के चंद्रशेखर बोर्ड में भाजपा से 2 बार पार्षद और परिषद में सभापति रहे अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि भाजपा ने सामान्य वर्ग का किया शोषण। ऐसा कर नहीं, भाजपा से अपन ने टिकट मांगा क्योंकि बोर्ड अनारक्षित वर्ग के लिए था कि सामान्य प्रत्याशी किसी को भी टिकट दिया है, लेकिन पार्टी ने वहाँ पर किसी अन्य वर्ग को प्रत्याशी बनाया है। तो बाढ़ के जो मतदाता हैं सभी की मांग पर, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी की मांग पर सब ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे अपने अन्य किसी वर्ग से टिकट दिया गया पार्टी ने तो सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया है। तो बाढ़ की जनता की मांग पर हमारे पास सब लोगों ने बोला मांग की, आप जमा करिए, हमारा समर्थन है और हम सब लोग आपके साथ हैं। सागर जिले के बीना में अलग अलग 3 घटनाओं में जहां 2 लोगों को सिविल अस्पताल में कराया भर्ती, वहां एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक युवक ओवरब्रिज से निकलते समय उसे डसा था सांप ने, दूसरे युवक को घर का दरवाजा खोलते ही लगा करंट। सागर जिले के खुरई में आईका रत्न दृढ़मती माता जी का अपने सत्संग 18 साधिकाओं के साथ हुआ आगमन, जैन समाज ने की भव्य अगवानी। सागर जिले के बीना में बरसात से पहले रेलवे ने पहाड़ों क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर पानी का जमाव ना हो, बारिश का पानी नालियों से होकर निकल जाए और रेल परिचालन सुगम और निर्विवाद रूप से चलता रहे, इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में भोपाल मंडल रेल प्रशासन मानसून पूर्व की सभी जरूरी तैयारियां कर रहा। सागर जिले के बीना में भाजपा में टिकट वितरण के बाद विरोध के स्वर शुरू। शनिवार को विरोध में बाढ़ के स्थानीय कार्यकर्ताओं सहित विधायक महेश राय के खास माने जाने वाले पार्टी पदाधिकारियों ने प्रत्याशी गौरीशंकर राय का विरोध करते हुए चलाया पुतला। टीकमगढ़ जिले में मानसून की पहली बारिश ने कल रात्रि से दस्तक दे दी। आज शाम गरज चमक और तेज हवा के साथ हो रही बारिश, पिछले 24 घंटे में टीकमगढ़ जिले में 25 mm बारिश हो चुकी। सागर जिले के बीना में नगरीय निकाय और चुनाव को लेकर अंतिम दिन नामांकन जमा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे प्रत्याशी। आखिरी दिन सबसे अधिक 64 प्रत्याशियों ने जमा किए अपने फॉर्म। सागर जिले के बीना रेल संस्थान प्रबंध समिति के चुनाव के मतदान के बाद बीती रात नतीजे घोषित, बिहारी बने सचिव तो ब्रजनाथ कोषाध्यक्ष पद जीते। टीकमगढ़ में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की जाएगी आयोजित। परीक्षा में 9 केंद्रों पर 3,159 अभ्यर्थी होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। टीकमगढ़ जिले की 1 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में 971 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें महिला उम्मीदवार 400
92 और पुरुष उम्मीदवार 479 हैं। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टीवी और चेस्ट विभाग एवं फेडरेशन ऑफ ओबर सटिक और गायनकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एवं इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के सानिध्य से संगोष्ठी की गई आयोजित।